संकष्टि गणेश चतुर्थी, जानिए कैसे करें राशि अनुसार गणेश पूजन। गणपति शुभ संकल्प पूर्ति के आदि देव माने गए हैं। भगवान गणेश का पूजन और आराधना करने से सभी प्रकार की समस्याएं जैसे रोग, आर्थिक समस्या, भय, नौकरी, व्यवसाय, मकान, वाहन, विवाह, संतान, प्रमोशन आदि संबंधित सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आइए संकष्टि गणेश चतुर्थी अपने राशि अनुसार करें भगवान गणेश की आराधना। मेष राशि। मेष राशि वालों को वक्र तुंड रूप में गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और गम या ओम वक्र तुंडाय हूँ मंत्र की एक माला प्रतिदिन जप कर गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इसे तुरंत ही जीवन में जो भी समस्या होगी उसका समाधान हो जाएगा। विशेष मेष राशि के इष्ट देव गणेश और हनुमान जी हैं। मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएं और पूरा प्रसाद मंदिर में ही बांट दें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को गणेश जी के शक्ति विनायक रूप की आराधना करना चाहिए और उन्हें भी गम या ओम हीम ग्रीम हीम मंत्र की एक माला प्रतिदिन जप कर घी में मिश्री मिलाकर भोग लगाएं। निश्चित ही उन्हें सभी तरह की समस्याओं का समाधान मिलेगा। विशेष हनुमान या गणेश मंदिर में मंगलवार को शुद्ध घी का दो मुखी दिया जलाएं। आमदनी में दिक्कत हो तो केसर का टीका माथे पर लगाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले गणेश जी की आराधना लक्ष्मी गणेश के रूप में करें। गणेश जी के लिए मूंग के लड्डू बनाएं और श्री गणेशाय नमः या ओम गं गणपते नमः मंत्र की प्रतिदिन एक माला जपें। विशेष गणेश जी को बुधवार के दिन मंदिर में लड्डू का भोग लगाएं। गरीब व्यक्तियों को काला कंबल दान दें, काम सुचारू चलेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वालों को वक्र तुंड रूप में गणेश जी की पूजा करना चाहिए। उन्हें ओम वरदाय नमः या ओम बक तुंडाय हूम की एक माला प्रतिदिन जपना चाहिए। पूजन के दौरान गणेश जी को सफ़ेद चंदन लगाकर सफ़ेद फूल चढ़ाएं। विशेष प्रतिदिन रोज चंदन का टीका लगाएं और बुजुर्गों का सम्मान करें। सिंह राशि। सिंह राशि वालों को लक्ष्मी गणेश रूप में गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उन्हें लाल पुष्प चढ़ाकर मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं। ओम सुमंगलाय नमः मंत्र की एक माला का जाप करना चाहिए जिससे सभी तरह की समस्याओं का समाधान होगा। विशेष लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें जिससे भाग्योदय होगा और मंदिर में जाकर गणेश जी को किशमिश चढ़ाएं। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को भी गणेश जी के लक्ष्मी गणेश का रूप का ध्यान करना चाहिए। पूजन के दौरान दुर्वा के 21 जोड़े अर्पित कर ओम चिंतामणि नमः मंत्र की एक माला प्रतिदिन जपना चाहिए। इससे उनके जीवन की सभी तरह की चिंताएं मिट जाएंगी। विशेष गणेश जी की प्रतिदिन पूजा करें। स्थायी सफलता के लिए तुलसी की माला पहने और घर में कभी कुत्ता ना पालें। तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों को वक्र तुंड रूप में गणेश जी की पूजा करना चाहिए और पूजा के दौरान गणेश जी को 5 नारियल का भोग लगाएं। तत्पश्चात एक माला ओम वक्र तुंडाय नमः मंत्र का जप करें। इससे उनकी जो भी समस्याएं होंगी वह भगवान गणेश जल्द ही दूर करेंगे। विशेष छोटे भाई बहनों की मदद करें और गणेश जी के मंदिर में शुद्ध घी का दिया दिन में 11 बजे के पूर्व जिस किसी दिन मन करे लगाकर आएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है अतः इस राशि वाले जातकों को श्वेतांग गणेश रूप की पूजा करनी चाहिए तथा पूजा में सिंदूर और लाल फूल अर्पित करना चाहिए। उस जातक के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं रहेगा जो ओम नमो भगवते गजाननाय मंत्र की एक माला रोज जपेगा। विशेष केले के पेड़ की पूजा करें और जल चढ़ाएं। कभी भी नशा ना करें।
धनु राशि, जिसकी भी राशि धनु है उन्हें प्रतिदिन ओम गम गणपते नमः का मंत्र का जप करना चाहिए। धनु राशि गुरु की राशि होती है, अतः गणेश जी को पीले फूल चढ़ाकर बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। ऐसा करने से जहां समस्याएं समाप्त होंगी वहीं मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। धनु राशि वालों को गणेश जी के लक्ष्मी गणेश रूप की पूजा करनी चाहिए। विशेष शांति और समृद्धि के लिए घर में कचरा या गंदगी न रहने दें। पीले वस्त्र के आसर पर गणेश जी को ईशान कोण में विराजमान कर उनके समक्ष गुरुवार को घी का शुद्ध दिया जगाएं। मकर राशि, जिस किसी की राशि मकर है वह प्रतिदिन शक्ति विनायक गणेश की आराधना करें। पूजन के दौरान गणेश जी को पान सुपारी इलायची व लौंग अर्पित करें और ओम गम नमः मंत्र की एक माला रोज जपें। विशेष गुरुवार को गणेश लक्ष्मी या विष्णु मंदिर में पीले फूल चढ़ाएं, लाल सांड को मीठी रोटी खिलाएं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों को भी शक्ति विनायक गणेश जी की पूजा करना चाहिए और ओम गण मुक्ते फट मंत्र की एक माला रोज जपना चाहिए। इसे सभी तरह के कष्टों का निवारण होगा। कुंभ, ध्यान रखें कि आपके यहाँ से कोई भूखा ना जाए और भोजन में कभी भी ऊपर से नमक न डालें। मंगल गुरु या रविवार का व्रत रखें। मीन राशि, मीन राशि वाले जातक हरिद्रा गणेश की पूजा करना चाहिए। ओम गम गणपते नमः या ओम अंतरिक्षाय स्वाहा मंत्र की एक माला प्रतिदिन जपना चाहिए। पूजा के दौरान शहद और केसर का भोग लगाएं। विशेष गणेश मंदिर में प्याऊ के लिए पैसा दान करें। पीपल के पेड़ की जड़ में पानी डालें और कभी भी झूठ ना बोलें। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।